वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आपको पता है मैं उत्तरकाशी में हूँ, पर आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ ओनली उत्तराखंड के अंदर एक ही प्लेस है जो उत्तरकाशी के अंदर, आपको कौन सा है लेके चलते हैं। यहाँ का झूला पुल। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और घर में मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल मैं उत्तरकाशी आ रहा हूँ और उत्तरकाशी के एपिसोड आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अभी मैं जोशियाड़ा के मेन मार्केट से होके निकल रहा हूँ और ये सिंगल रूट जाता है जो कि विकास भवन होते हुए निकलता है और NIM और पॉलिटेक्निक के लिए जाता है। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ NIM। अगर NIM की मैं आपको खासियत बताऊँ तो NIM में कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कि एवरेस्ट को भी फतेह किया है, जो कि लार्जेस्ट माउंटेन है पूरे विश्व में। और मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले आप डिस्प्ले पे अभी एक लिस्ट देख रहे हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे लिस्ट देख पा रहे हैं। नंबर वन पर है बछेंद्री पाल नागपुरी उत्तरकाशी 1984। तो 1984 से लेकर 2021 तक जितने भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है उनके नाम है सीरियल वाइज, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद गाइज मैं आपको अगर बताऊँ तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में अभी हम हैं। इसकी स्थापना नवंबर 1965 में उत्तरकाशी में की गई थी। यह संस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21/1860 के अधीन एक पंजीकृत संस्था है। अगर मैं बात करूं इसके अध्यक्ष की तो माननीय रक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं तथा उत्तराखंड की माननीय मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं। तो गाइस अभी हम NIM में पहुंच चुके हैं और NIM का मैं आपको जैसा व्यू दिखा रहा हूं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति, जिनके नाम पर ये पूरा NIM यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो गाइस लेट्स गो, आगे चलते हैं और मैं आपको म्यूजियम की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैफे यहाँ का दिखाता हूँ। आज हम लेट पहुँचे, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट, 5 बजे क्लोज हो जाता है, फिर भी कोई नहीं, मैं आपको और दिखा रहा हूँ क्या क्या है। एक्चुअली टाइम इसका है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। सो गाइस तब तक आप लीजिए ड्रोन के नज़ारे और गाइस देखते हैं आगे वीडियो में क्या क्या होता है। सो गाइस ये यहाँ का ऑडिटोरियम और आप देख सकते हैं इसमें शिल्पकला कितनी अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ के जितने भी लोकल शिल्पकार हैं उन्होंने इतनी अच्छी कलाकृति की है, आप देख सकते हैं दरवाजे पे। और यहाँ पर लिखा गया है कि मोबाइल आर नॉट अलाउड इनसाइड, अंदर अलाउड नहीं है, बाहर आप अलाउ कर सकते हैं, बाहर आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। बाकी आप आगे आइए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इधर जितना भी मतलब व्यू यहाँ पर है काफ़ी अल्टीमेट है, आप बाहर का पूरा लुफ्त उठा सकते हैं। बाकी आप इधर देखिए ये जो अल्टीमेट काम इस बार किया गया है, आई एम वेरी प्राउड टू बीइंग हेयर कि हम यहाँ पर आए और मतलब गाइस मज़ा ही आ गया है कि नहीं, देखिए आप। गाइज आज आए हम NIM में
चश्मा पहन लेते। तो एनआईएम में मैं और मेरा भाई अजय आज हमारा रखे एनआईएम में, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इतना गजब का अल्टीमेट काम कर रखा है ना एनआईएम ने इस बार। मतलब जितने भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के नेहर अवार्ड, जितने भी यहाँ पे शिल्पकार हैं और जितने भी यहाँ कारपेंटर वगैरह हैं, उन सब ने बहुत मेहनत करने के बाद ये पूरा डिज़ाइन खड़ा किया जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ का मैं आपको बताऊँ तो व्यू इतना गजब का मिलता है। आप देखिए नीचे कार पार्किंग है और ये नीचे क्या है कि सरकारी क्वार्टर्स है, और हमारे पीछे देखिए आप ये म्यूज़ियम है यहाँ का, और म्यूज़ियम काफ़ी अल्टीमेट उन्होंने बना रखा है और सीढ़ियाँ उतरी थी। सो गाइज, अगर आप कभी उत्तरकाशी आते हैं तो एनआईएम को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपको आना चाहिए ऐसी जगह। क्यों अपना आधार कार्ड लेके आप क्या बोलना चाहेंगे अजय जी? कुछ बहुत बढ़िया जगह है एनआईएम, जगह बहुत अच्छी है। आप पहले कब आए थे यहाँ? बचपन में आया था, उसके बाद कभी नहीं आया हूँ। तो बचपन के बाद अब आए हो जी, इधर आपके साथ अभी बीच में। हाँ नज़दीक होता है, गाइस मैंने आपको एनआईएम का पूरा बता दिया है, म्यूजियम कैसा है और अराउंड ऑफ इधर क्या क्या एक्टिविटीज होती है नीचे ऑफिस में देखिए। और अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, इधर देखिए हमारे पीछे जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो यहाँ पर खड़े रहते हैं, और इनकी जो स्टैचू है और काफ़ी अच्छी है वो देखो वहाँ पर हाल का। सो गाइस वी आर वेरी प्राउड टू बीइंग हियर कि हम उत्तराखंड के हैं, और यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत सारी जगह है और देखने के लिए भी है। देखते हैं साउंड कैसे आ। ये इसके अंदर जो है हंसर आ करते थे लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहे थे। बाकी काफ़ी अच्छा मौसम है आज, ठंडा हो रहा है। इधर ट्रेनिंग चलती है एनआईएम की, बाकी इधर ट्रेनिंग भी इसे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ के सिखाया जाता है कि आपने माउंटेन में किस तरीके से यहाँ पर चढ़ना है। और तो गाइस एनआईएम में तो पहुँच गए हैं, आपको मैंने यहाँ के पूरे व्यू भी दिखा दिए हैं, कितने ऑसम व्यू है, अमेजिंग एकदम। पर यहाँ पे मुझे स्टाफ के 3-4 यंगस्टर मिले हैं, मतलब बिल्कुल जवान, और जिनको यहाँ का पता है और ट्रेनिंग भी यहाँ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर, व्हाट्स योर गुड नेम? देवेश व्यास। देवेश, आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल पवार, एक पवार बंधु है हमारे सारे। तो अब हम इनसे यहाँ के बारे में कुछ पूछते हैं। भाई मुझे थोड़ा बता दो यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। यहाँ पे एक माउंटेनियरिंग कोर्स होते हैं जो कि एडवेंचर है, हाँ। और आपका बेसिक है, हाँ। और उसके बाद आपका एडवांस कोर्स आता है जो कि एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के नाम से जाना है। उसके बाद MI आता है, हाँ। जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू जो कि सर्वाइव के बारे में, मतलब मैं करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, कोई एज लिमिट तो नहीं है? एज लिमिट कुछ नहीं है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फॉर्म फिलअप कीजिए आप बस। ऑनली फॉर्म फिलअप करके आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट किया एंट्रेंस होता है? नहीं, एंट्रेंस लास्ट एंड पे आपको एंट्रेंस होता है, जो कि मतलब इंटरेस्टेड है जो वो कर सकता है। हाँ, जो इंटरेस्टेड है इस फील्ड में जो जाना चाहता है वो इसको कर सकता है। अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, टाइम पीरियड क्या है यहाँ, मतलब एक कोर्स का? एडवेंचर तो है 15 दिन, हाँ, और बीसी एडवांस 28 दिन। अच्छा अच्छा, बाकी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप इधर सभी जानते हो, सबको जानते हो, किस किस एज के लोग आते हैं यहाँ कोर्स करने? यहाँ पे आते हैं, यहाँ बहुत बड़े 40 उम्र के, 40 की एज वाले। कोई हाईएस्ट एज ट्रिप कोई देखा आपने यहाँ पे? कोई 60 का तो नहीं आया? तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब वेट भी है कुछ की? इतना वेट होना चाहिए, आप कितना लोड कैरी कर सकते हो या आप कितना चल सकते हो, आपकी बॉडी कितना मतलब वो झील, कितना झेल सकती है मतलब आपकी बॉडी। हाँ गाइस देख रहे हो, मतलब आप भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप कर सकते हो। आपको लगता है ना फिट हो? हाँ फिट हो लगता है तो फील्ड बताता है ना, जो फील्ड बताता है कि आप एक्टिविटीज क्या। सो थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया और हमारे जितने भी दर्शक देखेंगे भारत में आपसे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होंगे। और जो भी यहाँ मिले आता है गाइस जरूर भाई लोगों से जरूर मिलना, आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी, है कि नहीं, एडवाइस हो जाती है। गाइस पूरा एनआईएम का ब्लॉग तो मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।